Hi guys, welcome back to our channel and we are really thankful to you guys for pouring so much love to Vroom Gears. और ये वीडियो में हम लोग और तीन प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, सो वी आर रियली एक्साइटेड टू शो ऑल दीज थ्री प्रोडक्ट्स. एंड गाइस, आई मीन हम लोग हमेशा है ना, हम लोग हंट करते रहते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लाए हम लोग आपके लिए जो आप लोग को अच्छा लगे, जो आप लोग के लिए यूज़फुल रहे और ऑब्वियसली जो हम दोनों को भी यूज़फुल रहे. तो आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तीन नए प्रोडक्ट्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम लोग Vroom Gears के अंडर लॉन्च कर रहे हैं वो है हेलमेट बैग. तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेलमेट बैग का यूज़ क्या है. सबसे पहली चीज़, मैंने अभी दिवाली की साफ़ सफाई करी हुई है गाइस, एंड हम लोग के घर में है ना कम से कम 8 से 10 हेलमेट्स है. सारे हेलमेट पे इतनी ज़्यादा धूल लग गई थी, अंदर की जो पैडिंग थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब इतना ज़्यादा उसमें फंगस और धूल लग गया था कि वो देखने के बाद आई वॉज, क्योंकि ऑब्वियसली आप हमेशा राइड नहीं करते हो, आपका जो राइड होता है वो 2 महीने में एक बार होता है या 1 महीने में एक बार होता है, जो लंबी राइड होती है, जो शॉर्ट राइड होती है. अब मैं और सचिन का कैसा है कि हम लोग के पास घर से स्टोर जाने के लिए एक हेलमेट है और जो हम लोग लॉन्ग राइड के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए एक अलग हेलमेट है. सारी जो प्रीमियम हेलमेट होती है जो 2 महीने में एक बार आप निकालते हो, वो वाली हेलमेट को हमेशा आपको हेलमेट बैग में स्टोर करना है. ये जो Vroom हेलमेट बैग है उसमें हम लोग ने इतनी अच्छी मटेरियल यूज़ की हुई है, अंदर वेलवेट मटेरियल है, बाहर का मटेरियल इतनी लाइट वेट है कि आप ये वाली जो बैग है वो एयरपोर्ट भी कैरी कर सकते हो. तो पहली चीज़ तो हो गई आपको धूल से बचाने वाली बात. दूसरी चीज़ हो गई कि अगर आप हेलमेट बैग का यूज़ करते हो आपका हेलमेट रखने के लिए, तो जो वाइज़र होती है वो वाइज़र पे भी धूल नहीं आएगी. और जो एक्स्ट्रा वाइज़र होगा उसके लिए एक और एक्साइटिंग चीज़ है, वेट कीजिए, वो आगे के वीडियो में हम प्रोसीड करेंगे. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि आपको हेलमेट को डस्ट से बचाना है. जो वाइज़र है उस पर स्क्रैचेज आ जाते हैं बिकॉज ऑफ डस्ट, तो वो सारी चीज़ों से बचाने के लिए हेलमेट बैग दे आर द मस्ट. दूसरी चीज़ हो गई, बहुत बार ही ऐसा होता है, इनफैक्ट मैं और सचिन भी बहुत बार ही ऐसा करते हैं कि हम लोग है ना अगर मुंबई से राइड नहीं चालू कर रहे तो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाकर राइड चालू कर रहे हैं. लद्दाख की राइड हम लोग दिल्ली से चालू किए थे. तो जब आप मुंबई टू दिल्ली एयरपोर्ट से जा रहे हो और अगर आपने हेलमेट बैग यूज़ नहीं करी हुई है, आपने ऐसे ही हेलमेट पकड़ी हुई है, तो हो सकता है कि कहीं पर भी लग कर डेंट आ सकता है, स्क्रैचेस आ सकते हैं, आपकी गोप्रो लगी होती है, गोप्रो की माउंट लगी होती है, इंटरकॉम लगा होता है, ये सारी चीज़ अगर इधर उधर टकराएगी तो गलत बात हो जाएगी. उसके लिए हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है हेलमेट बैग. हम दोनों ने स्टार्टिंग से, जब से हमने राइडिंग चालू की है तब से हम लोग हेलमेट बैग यूज़ करते हैं और हमें पता है कि ये बाइकर के लिए एक असेंशियल्स है. एयरपोर्ट पर अगर आप जा रहे हो तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ बैकपैक. पीछे आप अच्छे से कंफर्टेबली अपने शोल्डर्स पे वो लगा कर आप इधर उधर एयरपोर्ट में घूम सकते हो. बहुत बार ही ऐसा होता है कि बहुत बार हम लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बोलते हैं कि आप अपना जो हेलमेट है वो आप चेक इन में नहीं लेकर जा सकते हो, आपको लगेज में डालना होगा. तो अगर आपने ऐसे ही आपकी हेलमेट कैरी की हुई है तो आप डेफिनेटली लगेज में नहीं डाल सकते हो, बहुत गलत हो जाएगा आपके एक्सपेंसिव हेलमेट के साथ. ओके, तो इसके वजह से हमेशा आपको मेक श्योर करना है कि हेलमेट बैग से आपकी हेलमेट होती है वो प्रोटेक्ट होती है. हेलमेट बैग का जो स्पेसिफिकेशन है ना, मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ. तो दिस कैन बी यूज एज अ बैकपैक एज वेल. अगर आप हेलमेट कैरी भी नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल बैकपैक के जैसा यूज़ कर सकते हो, बट ऑब्वियसली नॉर्मल बैकपैक के जैसा इसमें ज़्यादा पॉकेट्स नहीं है या फिर ज़्यादा जिप्स नहीं है, बट जो हम लोग ने जिप यूज़ की है वो प्रॉपर YKK की 8 नंबर जिप यूज़ की है हम लोग ने, एंड वी हैव ट्राइड टू मेक इट स्टाइलिश. और ये जो ब्रांडिंग है यहाँ पे हम लोग का Vroom का ब्रांडिंग है, दैट इज़ ऑल्सो ब्लू. सो हमारे Vroom टोरटुक टेल बैग में जो ब्लू कलर हम लोग ने यूज़ किया था फॉर रेन कवर्स एज वेल एज जो ड्राई बैग्स यूज़ किए हैं, दैट कलर वी हैव लव्ड इट, सो दैट इज़ द रीज़न. सो उसी के थीम के हिसाब से हम लोग ने ये ग्रे एंड ब्लैक मटेरियल यूज़ किया है, एंड दिस इज़ रिपस्टॉप मटेरियल, तो ये जल्दी फटने नहीं वाला है. एट द सेम टाइम दिस इज़ क्वाइट लाइट वेट, तो आपको बैक पे प्रेशर नहीं आएगा या फिर आपको हेलमेट के साथ इसका वेट इतना फील नहीं होगा. एंड जब भी आप इसको ओपन करोगे तो इसमें जो है ये पूरा वेलवेट मटेरियल दिया हुआ है, सो दैट आपके हेलमेट पे स्क्रैचेस नहीं आए. उसी के साथ में बैग और हेलमेट के बीच में इसमें काफ़ी स्पंज यूज़ किया गया है, सो दैट आप हेलमेट बाय मिस्टेक ड्रॉप भी करते हो तो आपके प्रीशियस हेलमेट पे स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे. सो हम लोग ने काफ़ी हेलमेट बैग यूज़ किए हुए हैं और बहुत सारे हेलमेट बैग्स में हम लोग को मतलब लगता था कि अगर गिर जाएगा तो ये सेफ नहीं करेगा, तो दैट्स द रीज़न हम लोग ये पूरा हेलमेट बैग जो है सब जगह पे स्पंज है, तो ये ड्रॉप
स्टॉप आप अगर करते हो तो हेलमेट पे कुछ भी स्क्रैच नहीं आएगा। सो ये जो बैकपैक का स्ट्रैप हम लोग ने बनाया है वो पतला नहीं बनाया, हम लोग ने इसको काफ़ी अच्छा और स्पॉन्जी बनाया, क्योंकि हम लोग ने इसको ना ही स्लिंग बैग की जैसे ही बनाया, क्योंकि उसके वजह से पूरा जो है ना आप यूज़ करते वक्त हेलमेट इधर उधर टकराता रहता है। दैट इज़ आर पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि एयरपोर्ट में जाते हो आप हमेशा रश में रहते हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इशू होता ही है, फ्लाइट डिले है या फिर फ्लाइट प्रीपोन्ड हो गई या फिर आपको कैब नहीं मिली, तो ऐसे बहुत सारे इशूज़ वी हैव फेस्ड इट। सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव गिवन थिक मटीरियल विथ स्पॉन्ज इनसाइड, तो आपके शोल्डर्स को ये हर्ट नहीं करेगा। सो हेलमेट बैग जो है आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हो या फिर इसको आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हो। तो अगर आपको हेलमेट बैग अगर आपके बाइक पे भी अगर माउंट करनी है तो ये आप दोनों एंकर पॉइंट्स लेके आप ऐसे माउंट भी कर सकते हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो है वाइजर स्लीव। ऑब्वियसली जब आप हेलमेट को हेलमेट बैग में स्टोर कर रहे हो तो आपका जो एक वाइजर होता है वो हेलमेट पे ही लगी होती है, जो प्रोटेक्ट हो जाएगी हेलमेट बैग यूज़ करने से। लेकिन अगर आपके पास एक और वाइज़र है, जैसे कि मेरे पास एक क्लियर वाइज़र है और एक टिंटेड वाइज़र है, तो जब मैं हेलमेट बैग यूज़ कर रही हूँ तो वो हेलमेट को अगर मैं अपने हेलमेट बैग पर स्टोर कर रही हूँ तो एक वाइज़र तो मेरा प्रोटेक्ट हो गया, बट वॉट अबाउट माई सेकेंड वाइज़र? तो जो सेकेंड वाइज़र है उसको हम लोग एक प्लास्टिक में, मतलब आई अंडरस्टैंड कि प्लास्टिक इज़ नॉट गुड टू यूज़, लेकिन हमारे पास जो जब आप कोई भी स्टोर पर जाते हो, जब आप खरीदते हो वाइज़र, तो एक प्लास्टिक में आपको वो दिया जाता है। हम उसी में स्टोर करते थे हमारी सारी वाइज़र्स, और फिर ऐसा हो जाता था कि अगर 2 महीने के बाद हम लोग राइड पर निकल रहे हैं तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती थी, और वो डस्ट को जब साफ़ करने जाते थे तो उसमें स्क्रैचेज़ हो जाती थी, और इतनी एक्सपेंसिव वाइज़र पे अगर स्क्रैचेस हो गई तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सो इन दैट मैटर्स वाइज़र स्लीव इट विल हेल्प यू अ लॉट। सचिन और मैं हेलमेट के अंदर गॉगल्स या जो ग्लासेस होती है वो हम नहीं पहनते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो होता है पेन होता है। तो अगर हम लोग हमारा राइड 6 बजे चालू करें तो 6 से जो 9 बजे के बीच में हम लोग क्लियर वाइज़र यूज़ करते हैं, फिर 9 बजे के बाद हम लोग हमारा स्मोक वाइज़र हो आपके पास या इरिडियम वाइज़र हो वो चेंज कर लेते हैं, वी स्विच टू आर इरिडियम वाइज़र, और शाम के 5 या 6 बजे तक हम लोग वो वाले इरिडियम वाइज़र पर राइड करते हैं, और फिर अगेन वी चेंज इट टू द क्लियर वाइज़र। अगर आपका जो हेलमेट है वो काफ़ी प्रीमियम है ना, तो वाइज़र चेंज करना इट्स जस्ट टू सिंपल, इज जस्ट अ क्लिक अवे, आई मीन जस्ट क्लिक करो वाइजर निकालो। तो इधर पेन सहन करने से अच्छा इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज डिफरेंट वाइजर्स, क्लियर वाइजर एंड इरिडियम वाइजर और स्मोक वाइजर, वॉट एवर यू हैव। तो वो कैरी करने के लिए प्लास्टिक बिग नो, यू कैन यूज वाइजर स्लीव्स। वाइजर स्लीव के अंदर जो हम लोग ने मटेरियल यूज किया है, यू गाइस आर गोना लव इट, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू शो यू व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वी हैव यूज्ड इट। अगर आप मुंबई से हो, जस्ट कम एट रूम स्टोर, फील द मटेरियल एंड यू गाइज विल फॉल इन लव विद दिस वाइजर स्लीव, गारंटी है। सो गाइज वाइजर स्लीव जो है हमने ब्लैक और ग्रे ऐसे 2 कलर्स में बनाए हुए हैं, क्योंकि ब्लैक जो है इतना अब्यूज कलर है, हर जगह पे हर चीज़ में ब्लैक यूज़ होता है, एंड ऑब्वियसली ब्लैक सबको ही सूट करता है, सबको अच्छा भी लगता है। सो दैट्स द रीज़न हम लोग ने ये ग्रे में भी बनाया हुआ है। अदरवाइज स्पेसिफिकेशन वाइज बोथ आर एग्जैक्टली द सेम। बाहर जो है रिपस्टॉप मटेरियल आपका लाइट वेट मटेरियल यूज़ किया है, सो दैट आपको आपके टैंक बैग में या फिर आप अगर सैडल बैग में रखने वाले हो तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। एंड व्हेन यू ओपन दिस तो इसमें जो है एकदम सॉफ्ट एकदम वेलवेट मटेरियल यूज़ किया हुआ है, जो आपके फेस पे आप अगर इसको रब करोगे तो समझ में आएगा, इतना सॉफ्ट वेलवेट मटेरियल यूज़ किया हुआ है हम लोग ने। सो दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ दिस वाइजर स्लीव, एंड आप अगर इसको ऐसा देख रहे हो तो यहाँ पे और एक पॉकेट दिया हुआ है, तो ये पॉकेट में आप छोटी चीज़ें रख सकते हो, जैसे कॉटन क्लॉथ रख सकते हो जो आपके स्पेक्स के लिए आते हैं वो वाले। सो आपको हमेशा आपके वाइजर जो है क्लीन एंड क्लियर रखने हैं टू हैव गुड राइडिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके वाइजर्स पे बहुत धूल या मिट्टी है ना तो आपको राइड करने में मज़ा नहीं आएगा, तो दैट्स द रीज़न ये पॉकेट दिया है, आप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप फॉगी वेदर में राइड करने वाले हो तो यहाँ पे आप ये फॉगटेक और जो रेनकोट है जो काफ़ी हिट प्रोडक्ट है, हम लोग ने इसको लद्दाख में भी यूज़ किया था। फॉगटेक से आपको फॉग नहीं होगा वाइज़र, और जो रेनकोट है उससे आपके वाइज़र अगर आप बारिश में चला रहे हो तो जो रेन ड्रॉप्स है वो रुकते नहीं है वाइज़र पे, इजीली फटाफट वो निकल जाते। तो दीज थिंग्स हैंडी थिंग्स आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि आपको ये कोई अलग जगह पे रखे तो जब भी चाहिए तभी आपको मिलती नहीं है। सो दैट्स द रीज़न वी हैव गिवन दिस पॉकेट हियर। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बाइकर्स एसेंशियल्स है वो है
ये दो चीज, ये आपको बहुत छोटी सी चीज लग रही होगी बट वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर कॉल्ड एज कैम्प स्ट्रैप्स। तो ये जो है हम लोग ने व्रूम कैम्प स्ट्रैप्स बनाए हुए हैं अभी। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या हो जाता है ना, जो भी बाइक चलाते हैं बहुत बार वो लोग लगेज, ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग राइड जा रहे हो तो लगेज रहता है आपके बाइक पे, लगेज को साइलेंसर तक ना पहुँचे, क्योंकि ऑफ रोड अगर आप कर रहे हो ना तो लगेज आपकी हिलती ही है, स्पेशली जब आप सैडल बैग यूज़ कर रहे हो। टेल बैग में तो ये दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब आप सैडल बैग यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे होता है कि आपके जो सैडल बैग हैं कभी कभार वो साइलेंसर तक टच करने को जस्ट इतनी सी डिस्टेंस रह जाती है, उस टाइम पर ये कैम स्ट्रैप्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा। आपको क्या करना है, ये कैम स्ट्रैप से आपको आपकी जो लगेज है वो बांध देना है, जिससे आपकी जो लगेज है वो वहीं पर रहेगी। वो मराठी में क्या कोट है, हाथाची घड़ी तोंडावर बोट, एग्जैक्टली सेम आपकी जो लगेज होगी, आपकी जो सैडल बैग होगी वो इतनी ज़्यादा इंटैक्ट होगी कि आप कोई भी ऑफ रोड करो, कोई भी वाटर क्रॉसिंग करो, रिवर क्रॉसिंग करो, गड्ढों में जाओ, कुछ भी करो, आपकी जो लगेज है वो हिलेगी नहीं। पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़, अगर आपको टेल बैग आप यूज़ कर रहे हो, और अगर टेल बैग भी नॉर्मली ऐसे से स्विंग होती रहती है, तो अगर आपको चाहिए कि आपकी टेल बैग भी प्रॉपरली एक जगह पर रहे ऑफ रोडिंग के टाइम पर, या फिर नॉर्मल आप टोरिंग भी कर रहे हो उस टाइम पर भी, तो ये चीज़ होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा जब भी कोई बाइकर आता है ना स्टोर पर और वो पूछते कि कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे लेकर जाना चाहिए, कुछ चीज़ जो छोटी भी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए होगा वो राइड के टाइम पे, तो हम लोग हमेशा बोलते हो कि ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा कैम स्ट्रैप्स। जैसे कि सचिन ने बोला कि ये कैम स्ट्रैप्स है, आप ये हेलमेट बैग भी जो है वो अच्छे से आप इंस्टॉल कर सकते हो आपके बाइक पर। कभी कभार होता है कि राइड कर रहे हो, आपकी जो बैग है ना, जब अपन पता है घर से जब पैकिंग करके राइड पर निकलते हैं तो सामान अलग तरीके से भरते, जब 10 दिन के बाद थक जाते राइड करते करते और जब हम सामान भरते हमारे सैडल बैग में, वो एक अलग तरीके से होता है। तो ऐसा हो जाता है कि सामान आधी चीज़ें आपको दिख रही है और आपके बैग में वो जा ही नहीं रही है, तो उस टाइम पे कोई भी डफल बैग में आप अपनी एक्स्ट्रा सामान डाल सकते हो। आप फ्रूट्स खरीद रहे हो ऑन द गो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप वो डफल बैग पे डाल सकते हो, एंड यू कैन टाई योर डफल बैग विथ दीज कैम स्ट्रैप्स। अगर आप छोटी मोटी राइड के लिए जा रहे हो और आपको है कि टैंक बैग यूज़ नहीं करना है, स्क्रैचेस आएंगे एंड ऑल दीज थिंग्स, वैसे व्रूम जार्विस टैंक बैग अगर आपने यूज़ नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ यूज़ करिए। उसका जो बेस माउंट हमने बनाया है, यू गाइस आर गोना लव इट, अभी तक बहुत अच्छी फीडबैक है, बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं है। लोगों ने वो वाली टैंक बैग के ऊपर ऑल इंडिया राइड करी हुई है, सो रियली प्राउड ऑफ व्रूम जार्विस यूनिवर्सल टैंक बैग। बट स्टिल अगर आपको टैंक बैग यूज़ नहीं करनी है और आपको छोटे मोटे 3-4 दिन की राइड के लिए जानी है और आपको डफल बैग हो या फिर हेलमेट बैग हो या फिर इन दैट मैटर्स कोई भी और छोटी सी ड्राई बैग जैसी भी चीज़ हो और आपको वो इंस्टॉल करनी है आपके रेयर सीट पे, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो गाइस ये ऐसे लूप करने के बाद ये आपको ऐसे प्लेस करना है, आपको देखना है कोई भी पार्ट, आप ये हेलमेट बैग के अलावा कोई भी बैग आप माउंट कर सकते हो जैसे किरण ने बोला था। एंड ये आपको जो है ये मेटल बकल है, इसको ऐसे ओपन करना है पूरा, ये स्ट्रैप ऐसे डालना है एंड देन इसको आराम से खींचना है, और जैसे आपको लगेगा कि ये प्रॉपरली टाइट हो रहा है ये पूरा टाइट करना है। ये देखो एक बार माउंट होने के बाद ना पीछे नहीं आएगा, बट टू मेक श्योर ये एकदम अच्छे से सिक्योर रहे बकल लगाने के बाद, इसको वापस एक बार ऐसे पुश करो सो दैट वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल निकलने नहीं वाला ऐसे। ये देखो द ब्यूटी ऑफ दिस कैम स्ट्रैप इज आप इसको जितना टाइट करना चाहते हो टाइट कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये निकलेगा नहीं ऐसे। बट आपको अगर निकालना है तो इसको सिर्फ ये बटन को प्रेस करना है और ये देखो ये एकदम ईजिली निकल जाता है, जैसे आप इसको छोड़ोगे ये एकदम टाइट रहता है। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ दिस कैम स्ट्रैप, तो हम लोग ने ये जो है ना एकदम बहुत अच्छा क्वालिटी का नाइलॉन वेबिंग यूज़ किया हुआ है, जो आपको सालों साल ये टिकेगा, दिस इज़ नॉट लाइक नॉर्मल नाइलॉन मटेरियल नहीं है ये। और ये जो बकल है ये प्रॉपर मेटल बकल है, तो इसका स्टडीनेस हम लोगों ने काफ़ी टेस्ट किया हुआ है, इसको काफ़ी हम लोगों ने उसको ज़मीन पर पटक के इसके ऊपर कार वगैरह डाल के वो सब टेस्टिंग किया हुआ है। सो इफ़ यू आर यूजिंग दिस ऑन योर बाइक और अगर बाइक ड्रॉप भी होती है तो ये टूटेगा नहीं, दैट इज़ आर गारंटी। ये जो नाइलॉन वेबिंग के साथ हम लोग ने अटैच किया है सो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निकले नहीं, इसके लिए हम लोग ने
तीन बार टैकिंग किया हुआ है, वो भी अच्छे अच्छे स्पेस पे किया हुआ है सो दैट वो अच्छे से रिजिड रहे. सो दिस इज नॉट इलास्टिक बेस, तो ये नॉर्मल बंजीज की तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब नहीं होने वाला है. तो इसको आप, हमारा डेफिनेटली गारंटी है कि ये 3-4 साल के ऊपर ही आप इसके साथ बोर होने के बाद ही आप कुछ दूसरा लेने वाले हो. ये जो स्ट्रैप्स है हम लोग ने दो कलर में बनाए हुए हैं, ये ग्रे कलर है एंड देन दिस इज अनदर कलर विच इज ब्लैक, जस्ट लाइक वाइजर स्लीव ब्लैक एंड ग्रे में है. इसमें आपको और एक अच्छी न्यूज है कि ये तीन अलग अलग साइजेस में बनाए हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन. सो एक स्ट्रैप जो है वो 5 फीट लॉन्ग है, सेकेंड स्ट्रैप 7 फीट लॉन्ग है एंड जो थर्ड स्ट्रैप है वो 12 फीट का लॉन्ग है. तो आप एक स्ट्रैप जो 12 फीट का जो स्ट्रैप है उससे काफ़ी चीज़ें बांध सकते हो. जो 5 फीट का जो स्ट्रैप होगा, जैसे किरण ने बोला था आपकी सैडल बैग्स जो है प्रॉपर फिटिंग नहीं होती है कोई भी ब्रांड की, तो जो सैडल बैग वो हमेशा फ्लैप करती रहती है एंड ऑफ रोड के टाइम पे वो मजा नहीं आता हो, आपको टेंशन लगा रहता है कि सैडल बैग गिर नहीं जाए या फिर कोई चीजें उड़े नहीं, तो उसके लिए आपका 5 फीट वाला स्ट्रैप बहुत यूजफुल होने वाला है. तो गाइस वी आर रियली वेरी हैप्पी क्योंकि ये तीनों जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी अभी हमारे स्टोर से सेल हो चुका है एंड पीपल दे आर लविंग इट. लॉन्च करने से पहले जब आपकी चीजों की अप्रिशिएशन होती है उसकी जो एक फीलिंग होती है ना, बस वही फेज में है हम अब कुछ. सो गाइस यू गाइस हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिंग अस एंड हमें हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं और हमेशा इतना प्यार दिया है ना आपने. थैंक यू गाइस फॉर ऑल द लव. हम लोग सैडल बैग का भी टेस्टिंग फेज में है, हम लोग सैडल बैग की भी बहुत ज़्यादा अच्छी वाली क्रिएटिविटी और इनोवेशन डाला है हम लोग ने, जितना कुछ हो सकता है डाला है. आई एम श्योर आप लोगों को सैडल बैग भी बहुत पसंद आएगा, लेकिन थोड़ा उससे पहले एक बड़ी वाली राइड होने वाली है और उसके बाद हमारी सैडल बैग लॉन्च होने वाली है. तो अगर आप लोग को ये तीनों प्रोडक्ट चाहिए तो कहाँ से ले सकते हैं? तो आप vroom.co.in पे जा सकते हो, वहाँ पे vroom gears के टैब में जा सकते हो और सभी प्रोडक्ट्स पे शिपिंग फ्री है. आपको सिर्फ कूपन कोड यूज़ करना है फ्री शिप एंड ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी शिप टू यू फॉर फ्री. एक हो या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो आप सब चीज़ ले सकते हो. प्राइजेज विल बी मैंशनड ओवर देयर एंड इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है दिवाली के लिए आपको मिलेगी, तो जल्दी ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करो. सो दीज आर रियली एसेंशियल प्रोडक्ट्स और सभी प्रोडक्ट्स यूज़ करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है. दैट्स राइट गाइज. सो आई होप आप लोग को हमारी ये तीनों प्रोडक्ट बहुत पसंद आए. ऐसे प्यार देते रहिए, बहुत सारा pouring loads of love. प्यार किसको नहीं चाहिए. बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइनअप में है और हम लोग ना हमारे सारी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव जो दिमाग में अभी तक दबी हुई थी ना हमारे पूरे 10 साल के आईटी करियर में, सब उठा उठा के हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पर. 10 साल के आईटी करियर में हमारी जो इनोवेशन थी वो सब दबी हुई थी क्योंकि ऑफिस में ना वही सेम रूटीन ही रहता था हमारा. तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें और नई नई प्रोडक्ट्स के लिए आप लोग के लिए काम कर रहे हैं. बहुत सारी स्केलेटन बनाकर रख चुका है सचिन. आईटी का एक हम लोग को अच्छा लगता है जो एसडीएलसी होता है, प्लानिंग से लेकर उसका लाइव होने तक का जो फेज होता है ना बहुत मजा, एक्साइटिंग होती है गाइस. हम लोग का जो हम लोग लंच पे डिनर पे कभी भी टाइम मिला हम लोग का वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हम लोग की एनालिसिस, हम लोग की जो बातचीत होती है ये नहीं करेंगे ये करेंगे, मतलब लिटरली हम दोनों बहुत बार एक दूसरे को बोलते हैं कि एक और एक 11 है हम लोग. वी आर अ टीम. बहुत मजा आता है. सो गाइस यस, कीप पोरिंग लव, लोड्स ऑफ लव. इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब. Always wear a helmet and obviously use a helmet bag. Yes, and keep roaming. And happy Diwali in advance. Happy Diwali, everyone.